नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का Part-01, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और विद ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे वीडियो इसी प्रकार मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अब अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको मैथ और रीजन के वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैथ का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन अगर दिया हो ए रेशियो बी इजकल टू 3:4, बी रेशियो सी इजकल टू 7:9, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी जो पूछा गया उसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर मान जो दिए हैं उसको लिख लेते हैं। ए रेशियो बी का मान कितना है 3:4। फिर कह रहा है कि बी रेशियो का मान कितना है 7:9, तो यहाँ लिख लिया बी के नीचे 7 और सी के नीचे 9। अब जो बी के आगे जो खाली जगह बची है सबसे आगे पहले वाले कॉलम में, तो उधर हमने 4 कॉपी कर दिया, मतलब जो बी का मान है भाई आगे सी का मान हम लोग कॉपी करके लिख देंगे। इसी प्रकार सेकेंड में 7 के आगे क्या है, खाली जगह है, तो 7 को हम लोग कॉपी कर देंगे खाली जगह पे। तो इस टाइप का अगर जहाँ जहाँ आपको खाली जगह लिखे तो आप कॉपी करके लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब लाइन खींचेंगे हम लोग। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो गया 21, 4 का मल्टीप्लाई 7 में 28, 4 का मल्टीप्लाई 9 में तो 36। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21:28:36। अगला क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी का मान है 2:3, बी रेशियो सी का मान है 6:9 और सी रेशियो डी का मान है 5:7, तो ए रेशियो डी का मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ओके, पहले तो हम लोग मान निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, उसके बाद ए रेशियो डी का मान निकाल लेंगे इसी से। तो क्या करेंगे, देखिए ए रेशियो बी का मान दिया हुआ, इसको हम लोग लिख लिया। ओके, फिर बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है तो हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। अब आगे दिया है सी रेशियो डी, तो इसको भी लिख लिया। अब देखिए 3 के आगे खाली जगह क्या है, तो हम लोग इसी को उठा के यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर इसके आगे खाली जगह है, इसी को उठा के हम लोग कॉपी कर दिया। अब देखिए 6 के आगे देखिए खाली जगह है, तो इसी को उठा के हम लोगों ने कॉपी कर दिया। ओके, फिर देखिए 9 के आगे खाली जगह है, तो इसी को हम लोगों ने उठा के कॉपी कर दिया। अब 5:7, मतलब 5 के आगे 2 खाली जगह है, तो हमने 5 को कॉपी कर दिया। फिर 5 के आगे खाली जगह, फिर 5 को कॉपी कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का गुणा 6 में किया तो 12 × 12 = 60 आ गया। फिर 3 × 18 = 18 × 5 = 90, ये देखिए आ गया। 3×27 – 27 में गुणा किया तो 135। फिर 3×27 – 27 में गुणा किया 189। अब इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करें, अगर 3 से सब में डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 20:30:45:63। और हमसे पूछा गया था ए रेशियो डी का मान, तो ए का मान कितना है देखिए 20 और डी का मान है 63, तो आंसर क्या हो जाएगा 20:63। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी डी को 5:2:4:3 के अनुपात में पैसों में बांटा गया हो, अगर सी को डी से 1,000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो बी का शेयर बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमने इन लोग इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ए की वैल्यू निकालेंगे बी की, फिर सी की, फिर डी की। कैसे करेंगे, अगर एक्स इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 5x, बी इजकल टू 2x, सी इजकल टू 4x, डी इजकल टू 3x। आगे कह रहे कि अगर सी को डी से 1,000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो डी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 4x और डी की वैल्यू कितनी है 3x। इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, अगर इनका डिफरेंस ही 1,000 के बराबर है, मतलब कितना ज़्यादा मिला अगर 4x से 3x घटा दें तो x रुपया तो ज़्यादा मिल रहा है सी को, तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1,000, तो ये हमने x बराबर 1,000 लिख दिया। तो b का शेयर हमें बताना है, तो b का शेयर कितना है 2x, 2 इंटू हम लोग x का मान पुट कर देंगे तो 2×1000, तो आंसर क्या हो जाएगा 2,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं जो किसी तीसरी संख्या से 20% 50% ज़्यादा है, तो दोनों संख्याओं का रेशियो बताइए। मतलब पहली और दूसरी संख्या का हमें रेशियो बताना है, तो कितना कितना ज़्यादा है, 20% 50%। अगर हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लें तभी तो वो 100 मान लें, तो एक संख्या हमारी 120 गुनी हो जाएगी और दूसरी 150 गुनी। तो क्या करेंगे, 20% ज़्यादा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, फिर 50% ज़्यादा है तीसरी संख्या से तो 50 में 50 जोड़ेंगे तो 150। मतलब जो पहली संख्या हो जाएगी वो 120, दूसरी हो जाएगी 150। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो 0 से 0 कटा, 3 से ये कटा, तो 4/5 या 4:5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:5। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3:5 समानुपात 21 रेशियो यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करते हैं, पहले का गुणा चौथे में करेंगे, दूसरे का गुणा तीसरे में करेंगे। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इजकल टू 5×21, तो क्वेश्चन मार्क इजकल टू क्या हो जाएगा, 5×21/3, 3 से ये काटा तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 5×7=35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंबल में लिख लेते हैं, सोनी रेशियो मोनी रेशियो टोनी, तो इनका रेशियो कितना है, 2:3:5। देखने से रेशियो में देखने से मिल पता चल रहा है कि टोनी को सबसे ज़्यादा धन मिला, तो इनको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे, 2:3 इनको जो जोड़ेंगे, 2, 3, 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10। ओके, तो इनका अनुपातिक युद्ध क्या हो गया, 10। तो 2400 रुपये मतलब इनके अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको मिला, कितना मिला, तो कितना मिला के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे अधिक धन मिला टोनी को, तो कितना टोनी को कितना मिला, तो T=2 लिख लेंगे, जो टोटल धन है उसको लिखेंगे ऊपर 2400 और बटे में क्या करेंगे, टोटल योग मतलब इनका अनुपातिक योग 10, ये लिख लिया। टोनी का रेशियो कितना है, 5, इसका मल्टीप्लाई 5 से कर दिया। अब ये 0 से 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0, 5×20 की 0 वहाँ से लगा, 2, 5×2=10, 12, मतलब टोटल रुपए मिला 1200, तो टोनी को टोटल रुपए कितना मिला, 1200। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि ए रेशियो बी इजकल टू 5:4 तथा बी रेशियो सी इजकल टू 3:2, तो बी को रुपए कितना मिला। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, तो कितना है, ए रेशियो बी कितना दिया है, 5:4, अब बी रेशियो कितना, सी कितना है, 3:2। अब देखिए बी के आगे खाली जगह है तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉपी कर देंगे, फिर बी के पीछे देखिए खाली जगह तो यहाँ पे बी की जगह बी को ही उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3=15, 4×3=12 और ये 8, टोटल कितना रेशियो आ गया, 15:12:8। ओके, अब क्या कह रहा है कि इनमें 3500 रुपये वितरित किए गए तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो सबसे पहले हम तीनों इनको योग ऐड कर लेंगे, 15, 12, 8 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 8, 12, 8 कितना होता है, 20, और 20, 15 कितना होता है, 35 यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल रुपए है 3500, तो हमें बी का शेयर बताना, तो बी इक्वल टू लिख लेंगे 3500 टोटल मनी है जो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो अनुपातिक योग है उसको भी हम लोग नीचे लिख लेंगे। ओके, टोटल जो अनुपातिक योग आया कितना आया, 35, इसको नीचे लिख लिया, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो बी किसका पूछा गया शेयर, बी का, तो बी का कितना आया टोटल योग, 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 35 से 35 ये कट गया तो कितना आया, 100×12 तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, तो बी का शेयर आ गया हमारा 1200 रुपये। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका अगला पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा।